गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आई थिंक आई एम परफेक्टली ऑडिबल. चलिए आइए फटाफट. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आई वेलकम यू ऑल इन महिंद्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. मैं आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ. जल्दी आइए, फटाफट आइए. आई एम योर मेंटर एंड होस्ट संजय कुमार. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि होने वाला है आपका साइंस के स्पेशल, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं. कुछ क्वेश्चंस पुराने हैं, कुछ क्वेश्चंस नए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर नए जुड़ते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पुराने क्वेश्चंस भी देखने पड़ते हैं. तो यहाँ पे CHSL, CGL, CPO इस सीरीज में कहीं ना कहीं हम लोग चीज़ों को शुरू कर रहे हैं. चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने इसके पहले क्या क्या चीज़ें कवर अप करी हैं. जल्दी आइएगा फटाफट सभी लोग, फटाफट. आई एम ऑडिबल और नॉट, फटाफट बताइएगा. जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. जल्दी से फटाफट जरा सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों तक अपने. चलिए उसके पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. अभिषेक, अंतरिप, प्रीति, सिमरन, दीक्षा, राहुल, अंतरिप, दीपाली. चलिए फटाफट यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग. लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप किसको कहा जाता है? एग्रोनॉमी को कहा जाता है. फिर यहाँ पे ओलेरिकल्चर ग्रोइंग क्रॉप्स को कहा जाता है. फ्लोरिकल्चर आपकी फ्लावर्स की स्टडी को कहा जाता है. और पोमोलॉजी आपको कहा जाता है यहाँ पर किसकी स्टडी को? फ्रूट्स की स्टडी को कहा जाता है. आई थिंक आई एम परफेक्टली ऑडिबल. चलिए स्टार्ट करिएगा, फटाफट बताइएगा. फिर हम लोगों ने एक्सटिंक्टेड एनिमल्स की बात करी थी, जहाँ पर मैंने बताया था हर्पेंटोलॉजी जो है जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए कहा जाता है. और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों की स्टडी के लिए, एवीज की स्टडी के लिए कहा जाता है. वहीं जियोलॉजी की बात कर लेते हैं, अर्थ साइंस की स्टडी पर बात कर रहे होते हैं. पृथ्वी की जो संरचना है उसके आधार पर जो भी स्टडी करी जाती है उसको यहाँ पर काउंट करते हैं. आफ्टर दैट हम लोग बात कर रहे होते थे किसको? पैलेंटियोलॉजी पे. पैलेंटियोलॉजी पे जब हम लोग बात कर रहे होते तो हम लोग यहाँ पर जानते थे चीज़ों को कि भाई जो भी एंशियंट हम लोग को चीज़ें मिलती हैं उन पर बात कर रहे होते हैं. तो एंशियंट यहाँ पर जो पैलेंटियोलॉजी में जो भी फॉसिल्स मिलते हैं, मेरा एक क्वेश्चन आपके सामने नया आता हुआ कि भाई जो फॉसिल्स होते हैं वो कब से कंसिडर किए जाते हैं, कब से कंसिडर किया जाते हैं, और फॉसिल्स की यहाँ पर डेटिंग के लिए, डेटिंग समझते हो गए, यहाँ पर डेटिंग करी जाती है. तो डेटिंग कार्बन के किस आइसोटोप से करी जाती है? कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 10 और कार्बन 16. जल्दी से मुझे बताएगा ऐसा कुछ होता भी है क्या? उसके अलावा यहां पर आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं. मुझे लगता है समस्थानिक और समभारिक आप बता सकते हैं. जल्दी से बताइएगा. फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे एपिकल्चर पे, पिसीकल्चर पे, सीरीकल्चर पे, विटीकल्चर पे, हॉर्टिकल्चर पे और एग्रीकल्चर पे. आई होप यू रिमेम्बर दिस. फिर हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स पे, हर्बेंटोलॉजी पे, ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, और जेनेटिक्स, इस्टियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ठीक है, ये सारी लॉजीज पर हम लोगों ने बात किया था. C14 पे बात कर रहे थे. ये सुनो, चलिए बड़ा बड़ा आंसर करिएगा. फिर सिल्वी कल्चर के बारे में जाना था, एंटिमोलॉजी के बारे में जाना था, ऑर्निथोलॉजी, पेलेंटोलॉजी, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी के बारे में जाना था हम लोगों ने, पोमोलॉजी, एग्रोलॉजी, ये सारे लॉजीज के बारे में जान रहे थे. उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के बारे में जाना था, जो कि वैक्सी सब्सटेंस होता है, जो कि धमनियों में हमारी जो रक्त धमनियाँ होती हैं, मतलब आर्टरीज होती हैं, उनमें जम जाता है. इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के कॉन्सेप्ट को जाना था और कितनी मात्रा होनी चाहिए, ओमेगा फैट, ओमेगा 3 क्या होता है, ये सारी बातें जानने के बाद हम लोगों ने पीडोजेनेसिस देखा, जो कि स्टडी ऑफ यहाँ पर क्या बोलते हैं, सॉइल के फॉर्मेशन की बात कर रहा होता है. उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था पॉलीपेप्टाइड, पॉली यहाँ पर जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात किया था. आई होप यू रिमेंबर दिस, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद में. फिर हम लोग यहाँ पर सार्स पे बात कर रहे थे, यहाँ पर सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है. ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाता है, सार्स कोव 2 जिसकी हम लोग बात कर रहे थे. आई होप यू रिमेंबर दिस, ठीक है. उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर बात किए थे किसके बारे में, यहाँ पर अलग अलग जो वेरिएंट है RT-PCR टेस्ट के बारे में किया था हम लोगों ने. और हमने बात किया था यहाँ पर CT थ्रेशोल्ड, कोरोना थ्रेशोल्ड के बारे में बात किया था. जरा मुझे इसके बारे में बताइएगा, जरा क्या बताया था मैंने यहाँ पे? आइसोबार सेम, मास नंबर आइसोटोप सेम, एटॉमिक नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है. फिर यहाँ पर पेंगोलिन से फैला है, किससे फैला है, ये सारी बात कर रहे थे. व्हाइट रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? उसके अलावा सारे रेवोल्यूशन को देखा था, रिवाइज किया था हम लोगों ने, आपको याद होगा कि बहुत सारी चीज़ें रिहैप पे मैं कई बार क्वेश्चन पूछ चुका हूँ आपसे. लाइकेन्स पे बात किया था, म्यूचुअलिज्म, कम्युनलिज्म, पैरासिटिज्म और एमेंसलिज्म पे बात किया था हम लोगों ने. आई होप यू रिमेंबर दिस. पैथोजेंस पे बात किया था, फिर लाइकेन्स क्या होते हैं,
ठीक है, सारे के सारे लाइकेंस क्या होते हैं, एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, उस पर बात कर रहे थे। जल्दी से बताइएगा, लाइकेंस की मॉर्फोलॉजी देखी थी हम लोगों ने कि किस तरीके से यहाँ पर हाइफी पाए जाते हैं। द डॉक्टर हम लोग बात कर रहे थे फोटोसेंथेसिस की प्रक्रिया पर बात करी थी हम लोगों ने। मैग्नीशियम सेंट्रल प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने अमाइनो एसिड पे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के बारे में बात किया था, नाइट्रोजन साइकिल देखी थी और हमारे पास में कितना नाइट्रोजन का अमाउंट है, उस सारी चीज़ों के बारे में बात करी थी। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ये बड़ा ही चर्चा में, मुझे बताइएगा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर होता क्या है। पोर्स पे बात कर रहे थे, रंध्र पे बात कर रहे थे, स्ट्रोमेटा पे हम लोगों ने बात किया था, दैट आफ्टर हम लोग यहाँ पे स्ट्रोमेटा देख रहे थे, ये सुनो डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में भी जाना था। तो ये हमारा रिवीजन हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सीटी वैल्यू 1 to 35 यहाँ पर कोर्ट ने डिसाइड किया है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, फटाफट बताइएगा जरा। चलिए फटाफट जरा सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे की ओर आइए। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, ध्यान सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, लास्ट में रह गया था हमारा, जो क्वेश्चन मुझे बताना था। 16th of March को क्या मनाया जाता है, 16th of March को क्या मनाया जाता है, ये क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया था। सॉरी मैं उसको ऐड नहीं कर पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धीरे धीरे चीजों को ऐड कर लिया अभी जाएगा। राम राम सर जी, राम राम, चलिए बहुत बहुत राम राम आप सभी को। चलिए फटाफट यहाँ पर बताइएगा इसके लिए क्या ऑप्शन था, आप सभी ने बताया था लास्ट टाइम मुझे, ठीक है। नेशनल वैक्सीनेशन डे, ठीक है, पल्स पोलियो की ओर से यहाँ पर मनाया गया था, डी ऑप्शन था इसका। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है, डी ऑप्शन था, आप लोगों ने सही आंसर किया था। दीपाली मैम गलत आंसर कर रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करी जाए तो वो 11 मई को हम लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं। नेशनल साइंस डे हम लोग मना रहे होते हैं 28 फरवरी को, उसके बाद ब्लड डोनेशन डे मना रहे होते हैं 1 अक्टूबर को, ये ध्यान रख लीजिएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो 28 फरवरी होती है ये किसके नाम पर मनाई जाती है, रमन, वेंकटेश रमन। आप मुझे बताइएगा रमन्स इफेक्ट क्या होता है, रमन्स इफेक्ट क्या होता है जिस पे इनको नोबेल प्राइज मिला है, तो मुझे बताएं नोबेल प्राइज इनको कब मिला है। देखो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है और हम लोग कहीं से भी कोशिश ये करते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग कहीं ना कहीं जाने। आई होप यहाँ तक क्लियर है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने और फैमिली वेलफेयर ने स्टार्ट किया था, जिसमें BCG वैक्सीन, यहाँ पर TB वैक्सीन, ठीक है, टिटनस वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, इन सभी पे हम लोगों ने काम किया था। उसके अलावा मिशन इंद्रधनुष 2.0 शुरू हो गया है, आप सभी को पता होगा, ये सारी बातें हम लोग कर चुके होते हैं। उसके अलावा, ठीक है, नेशनल पोलियो डे कब मनाया जाता है, 31 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है, वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। 1930 में यहाँ पर प्राप्त किया उन्होंने नेशनल वैक्सीनेशन डे, 11 मई, यस बहुत बढ़िया। चलो 11 मई क्या चीज़, हाँ नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है, COVID-19 जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में इराडिकेट कर दिया गया है पोलियो, कब घोषित किया गया, कब इराडिकेट कर दिया गया इंडिया में पोलियो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि वैक्सीन मैत्री, जिसके तहत भारत क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स को एक्सपोर्ट कर रहा था, आज की डेट में इंडिया कहीं ना कहीं इम्पोर्ट करने पर ध्यान दे रहा है, आपको पता होगा, चेंज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ओके, चेंज द वेवलेंथ नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इफेक्ट बताया था, हाँ चेंज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट नहीं बताया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताया था कि व्हाइट लाइट का विबग्योर में कन्वर्ट हो जाना। आई होप यहां तक क्लियर है, जल्दी से फटाफट जरा सेशन को शेयर करो सभी लोग। चलिए बहुत सही, सही आंसर कर पा रहे हो सभी लोग। चलिए अगला यहां पर बात करते हैं, हमारे पास में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन है कोरोना वायरस को लेकर, ठीक है, ये पूरी तरीके से भारत में डेवलप हुई है, ठीक है। चला मुझे बता दीजिएगा भारत बायोटेक कहां पर है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे, जल्दी से मुझे बताइएगा, ठीक है, जल्दी से मुझे बताइएगा। और अभी रिसेंट दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी, रूस ने बनाई थी, रशिया ने बनाई थी, उसका नाम क्या है जल्दी से बताइएगा। देखिए वैक्सीन पे क्वेश्चन आया तो कहीं ना कहीं वैक्सीन की नॉलेज हम लोग को होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। और अभी 18 साल से 45 ईयर की एज में भी वैक्सीन लग रही है, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, 2 डोज हैं उनको लगाना बहुत जरूरी है, फटाफट लगाते रहिएगा, ठीक है। 2018, चलिए पुणे सीरम से है, यस इंस्टीट्यूट पुणे में है, ये इंस्टीट्यूट आपको कहाँ पर मिल जाएगा भाई, ये इंस्टीट्यूट आपको पुणे में मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम लोग बात कर देते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन किसको कहा जाता है, सबसे पहले यहाँ पर इम्यून सिस्टम किसने खोजा था, इम्यून सिस्टम को यहाँ पर इम्यूनाइजेशन करने की बात किसने करी थी सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है,
चलिए जॉनसन एंड जॉनसन, यहाँ पर अगर हम बात करें और भी अदर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, स्पूतनिक, यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, ये इतनी डिग्री सेल्सियस में रखी जाती है, स्टोरेज करने का ये है, ठीक है, और बहुत सारे राज्यों में ये मुहिम शुरू हो गई है। चलिए अगली बात कर लेते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिजीजेस से क्वेश्चन आएंगे, तो इस संभावना में मैं डिजीजेस को काफी डिटेल में यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फटाफट जरा सेशन को शेयर करो सभी दोस्तों तक, फटाफट जरा शेयर करो। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से किस किसको कहा जाता है, ठीक है, तारों का बुरा प्रभाव, इविल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स, इविल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स, स्पुतनिक, इंडिया फॉर अ न्यू म्यूटेंट, अच्छा न्यू म्यूटेंट को देने के लिए यहाँ पर स्पुतनिक स्टार्ट किया है, यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। जॉनसन जॉनसन भी आ रहा है यहाँ पे अगर देखा जाए। चलो फटाफट जरा सेशन को शेयर करो। हाँ कोरोनाविक कोव जो है वो एनिमल्स के लिए पहली बार यहां पर बनाया गया है, चलो क्लियर है। चलिए बहुत सही, ऑप्शन नंबर सी नाज आंसर कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप बात देख रहे हो, कॉलरा भी बैक्टीरिया से होता है, प्लेग भी बैक्टीरिया से होता है और टाइफॉइड भी बैक्टीरिया से होता है। फटाफट इनके बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणुओं का नाम बताइएगा, जीवाणुओं का नाम बताइएगा, किन जीवाणुओं से ये होता है, जल्दी से बताइएगा। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस है, एक प्रकार से वायरल डिजीज है बेसिकली, अगर हम लोग यहाँ पर बात करिए। और वायरस की सबसे पहली खोज किसने करी थी, इवेनोवॉस्की ने करी थी, ये हम लोग बात कर चुके हैं। और पहला वो जो वायरस उन्होंने खोजा था वो कौन सा था, टीएमवी वायरस था, टोबैको मोजाइक वायरस था, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें वायरस क्या है, वायरस को कहा जाता है, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, जीवित और मृत के बीच में, जीवित निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्योंकि वायरस में क्या होता है, एक प्रकार से जैसे ये मान लीजिए ये क्या हो गया, वायरस का एक शीत हो गया, जिसको यहां पर कोरोना की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहां पर क्या हो गया, ये स्पाइक्स हो गए, जो कि किसके बने होते हैं यहां पर, जो कि जुड़ते हैं हमारे हमारे बॉडी से जुड़ रहे होते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है। स्पुतनिक लाइट प्लेग ब्लैक डेथ कहा जाता है, पिस्चुएला पिट्रिस से होता था ये, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिल्मोनेला टाइफी किस टाइफॉइड के लिए होता है, सिल्मोनेला टाइफी, यस, इवेनोवॉस्की ने खोजा था, यहां पर टाइफॉइड करा दिया आप लोगों ने। अब यहां पर बताओ कॉलेरा, कॉलेरा की बताइए फटाफट फटाफट, जितना सेशन को शेयर करो सभी लोग। आई एम ऑडिबल और नॉट, जल्दी से बताइएगा क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है। चलिए फटाफट यहां पर बात कर लेते हैं, इसी को कोरोना कहा जाता है। और ये क्या है, इसके अंदर या तो आरएनए रहेगा, या तो आरएनए रहेगा, या तो डीएनए रहेगा, और डीएनए रहेगा, क्लियर है, यहां तक दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। और यहां पर कहीं ना कहीं प्रोटीन की शीत होगी, ठीक है, किसकी शीत होती है सर, प्रोटीन की एक शीत होती है जो कवरिंग होती है, उसको कैप्सिड कह दिया जाता है, क्या कह दिया सर, कैप्सिड कह दिया जाता है। यही कहीं ना कहीं रेप्लिकेशन के लिए, क्योंकि इसके पास में क्या नहीं होता सर, साइटोप्लाज्म नहीं होता है, सॉरी साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे यहां पर, बोलेंगे सर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, क्या होता है सर, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। अच्छा प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हमको पता है सर प्रोटोप्लाज्म बराबर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम लोग को पता है सर, इसको जीव द्रव्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, जीव द्रव्य बोलते हैं। और ये बना होता है किससे, फटाफट जरा सेशन को शेयर करो सभी लोग, ठीक है, ये किससे बना होता है, ये कोशिका द्रव्य से, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म, और आपका न्यूक्लियोप्लाज्म किससे सर, न्यूक्लियोप्लाज्म से बना हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम लोग यहां पर कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य और यहां पर नाभिक द्रव्य भी बोल देते हैं, नाभिक द्रव्य भी बोल देते हैं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, विब्रियो कॉलराई, यस, बहुत बढ़िया। तो उसमें ये नहीं पाया जाता है, इसके लिए सारी रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कहीं ना कहीं होस्ट को ढूंढ रहा होता है, और होस्ट यहां पर क्या हो जाते हैं, या तो होस्ट क्या हो जाएंगे, या तो एनिमल हो जाएगा कोई, ठीक है, तो उसको कौन से वायरस कहते हैं, जू वायरस कहते हैं, क्या कहते हैं सर, जू वायरस बोलते हैं, जूनॉट यहां पर जू वायरस बोल देते हैं, कोई यहां पर प्लांट हो जाएगा अगर हम लोग यहां पर बात करें तो उसको फाइटो फाइटो वायरस बोल देते हैं, फाइटो वायरस, कौन से वायरस सर, फाइटो वायरस, या तो कोई बैक्टीरिया हो जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो फटाफट यहाँ पे जरा सेशन को शेयर करो। कोई भी यहाँ पर जीवाणु हो सकता है, ऐसे वायरस को हम लोग बोल देते हैं बैक्टीरियोफेज, कौन सा वायरस बोल देते हैं, बैक्टीरियोफेज। और ये वायरस हमारी गंगा में मिलता है, आपको कहाँ पर मिलता है सर, गंगा में मिलता है, जो कि यहाँ पर गंगा को पवित्र करने का काम कर रहा होता है, यहाँ पर
चलो क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से बताइएगा क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सभी का इनसाइड द सेल। यस, फटाफट जरा सेशन को शेयर करो सभी लोग। विब्रियो कॉलराई, एक शब्द आता है जूनोटिक वायरस, जूनोटिक, जूनोटिक वायरस, इसका मतलब क्या होता है जल्दी से मुझे बताइएगा। ये देखिए यहां पर हम लोगों ने इन्फ्लुएंजा की बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, पोलियो किससे होता है? प्रोटोजोवा से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंजाई से होता है, या यहां पर वायरस से होता है? चलो, पोलियो डे अभी मैंने पूछा, तो चलो बताना मुझे नेशनल डे, अभी मैं बता के आ रहा हूं आपको, ठीक है? पोलियो, नेशनल पोलियो डे कब मनाया जाता है और वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है, जल्दी से मुझे बताइएगा। ये दोनों क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया। हाँ, टी टू और टी फोर वायरस, यस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उनके अंदर, यस। आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? फोर्थ इज द राइट आंसर, और इसके लिए हम लोग पहले से ही बातें कर चुके हैं डिजीज को लेकर। अगर आपको याद होगा, अगर प्रोटोजोवा की बात कर ली जाए तो प्रोटोजोवा से बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोवा में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है, जिसके थ्रू हम लोग को कहीं ना कहीं मलेरिया हो जाता है, आपने सुना होगा। पाइरिया नाम सुना होगा आपने, डिसेंड्री नाम सुना होगा, अतिसार बोल देते हैं, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, स्लीपिंग सिकनेस के लिए मलेरिया हो जाता है, किसके किससे? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। चलिए, हाँ, जूनोटिक डिजीज कॉज बाय द वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ह्यूमन एज वेल एज, नहीं, जूनोटिक का मतलब क्या होता है, किसी एनिमल में वो डिजीज हो रही है, एनिमल से जंप हो गया, अगर ह्यूमन में जंप कर जाती है तो उसको जूनोटिक वायरस बोलते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट? समझ में आया? तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं नेशनल पोलियो डे, अगर हम बात कर रहे हैं 31 जनवरी, और वर्ल्ड पोलियो डे को हम लोग बात कर रहे थे 24 अक्टूबर को, यहां पर बात कर रहे थे। आई होप यहां तक क्लियर है, फटाफट जरा सेशन को शेयर करो सभी लोग। यस, चलो क्लियर है। उसके बाद में यहां पर हम लोग बात कर रहे थे किसके, बैक्टीरिया में, जैसे कॉलरा हो जाता है, डिप्थीरिया हो जाता है, लेप्रोसी हो जाता है, और निमोनिया हो जाता है, प्लेग हो जाता है, टाइफॉइड हो जाता है। उसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था CGLST, याद है आपको? नहीं आया, याद है? हाँ, और BCG भी बताया था। BCG एक वैक्सीन होती है, मुझे बताइएगा BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे। BCG एक वैक्सीन होती है, प्लेग हो गया, टाइफॉइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस यहां पर एक बात करी जाए, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाते हैं, ठीक है, उसके बाद टिटनेस हो गया, फिर फंगस से हम बात कर रहे हैं, एथलीट फूट, एस्थमा, रिंग वर्म, अस्थमा नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, बाल्टनेस हो जाती है, ठीक है, उसके अलावा वायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, आज तक की दुनिया में इराडिकेट की जाने वाली, समाप्त करी जाने वाली एक ही, यहां पर आज तक करी जाने वाली एक ही डिजीज है, वो कि स्मॉल पॉक्स है, उसके अलावा यहां पर नहीं, ठीक है, अभी तो कोविड आ गया है, उसके अलावा मलेरिया, प्लाज्मोडियम, जैसे मैंने बताया, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होती है, ड्रग सिंकोना बार्क यूज किया जाता है, क्विनिन यूज किया जाता है। क्लियर हो गई यहां तक बात? बैसिलस क्लेमेटे ग्योरिन, एशियाटिक लायंस को भी हो चुका है कोरोना, यस, बहुत बढ़िया। चलो अब यहां पर आंसर बताना भाई, जरा यहां पर आंसर बताना, देखो शायद आई थिंक ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं पहले, है ना? चलो कोई ना, हार्मोन की बात करें तो प्रोस्टोजन, यहां पर प्रोजेस्ट्रॉन एक हार्मोन है, उसके अलावा एंजाइम की बात करें तो पेप्सिन एक एंजाइम है, तो यहां पर बी का 1 हो गया, बी का 1 यहां पे दिख रहा है आपको, यहां पे दिख रहा है, उसके बाद सी का 4 हो गया, इसका मतलब यहां पर ये आंसर हो गया, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, बस कम समय में ज्यादा की ओर किस तरह से जाएंगे हम लोग, जल्दी जल्दी फटाफट, चलो फटाफट फटाफट शेयर करो भाई, क्या बात है आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो आज भी, यहाँ शेयर करो, अपने अपने व्हाट्सएप पे लगाओ, फेसबुक पे लगाओ, ठीक है। चलिए फटाफट यहाँ पे बात कर लेते हैं, विटामिन की यहाँ पर बात करी जाए, प्रोटीन की यहाँ पर बात करी जाए, तो यहाँ पर चलो प्रोटीन क्या है सर, कैरोटीन प्रोटीन होता है, ठीक है, और यहाँ पर कैरेटीन क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, सॉरी, ठीक है, कैरेटीन यहाँ पर हो गया, और उसके बाद में प्रोटीन कैरेटीन हो गया, इनका काम क्या होता है जल्दी से बताइएगा मुझे, जल्दी से बताइएगा, इन दोनों का वर्क क्या है, इन दोनों का वर्क क्या है, ये मैं पहले पूछ चुका हूँ शायद, मुझे इतना ध्यान है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ये हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है, कहाँ से रिलीज होता है, हार्मोन्स पर तो पूरा पूरा डिटेल मैंने पूरा पूरा लास्ट टाइम पे चर्चा हुई थी उसमें हम लोग बात किया था,
यस सुमित भट्ट जी, बताइए, डाउट है तो पूछ लीजिए ना। हाँ भाई सही कर दिया भाई। चलो क्लियर है, कितना बार बताइएगा। हेयर ग्रोथ एंड शाइनिंग के लिए होता है। यस बहुत बढ़िया। चलो, कैरोटीन प्रोटीन नेल्स में पाया जाता है आपका और हेयर्स में पाया जाता है। यस बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। चलो फटाफट जरा सेशन को शेयर करो सभी लोग, संख्या बल बड़ा कम नजर आ रहा है भाई आजकल। दहार ग्रंथि भाई, विटामिन ए, कैरोटीन, यस रेटिनॉल, ओके, दो नाम एक जैसे लिखे थे। हाँ भाई वही मैंने सही किया, हो गया क्लियर। बताइए भाई सुमित, चलो फटाफट से इनको क्लियर करो। एग में कैरोटीन प्रोटीन एल्ब्यूमिन मिलता है, एल्ब्यूमिन मिलता है, ठीक है, एल्ब्यूमिन मिलता है, कैरोटीन में मिलता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिलता है भाई। चलो क्लियर, फटाफट जरा से इनको शेयर करो सभी लोग। इसके लिए क्या हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुषार जल्दी से आइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चावल को पॉलिश करना और चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है। बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं विटामिन राइबोफ्लेविन, जरा इनके नाम बता दीजिएगा मुझे। नियासिन किसको बोला जाता है, बायोटिन किसको बोला जाता है, थायामिन किसको बोला जाता है। इसका जो परफेक्ट आंसर है वो थायामिन है, विटामिन B1, विटामिन B1 रिलीज हो जाता है। क्लियर हो गई यहां तक बात। देखो मैंने इसीलिए विटामिन से नहीं दिया, मैंने यहां से ऑप्शन जो दिए वो अलग तरीके से दिए। बहुत सारे लोग बी आंसर कर रहे हैं, ए आंसर कर रहे हैं, राइबोफ्लेविन कैसे हो जाएगा भाई। हाँ चलो नियासिन आंसर कर रहे हैं बहुत सारे लोग। टी आंसर होगा इसका हितेश, बहुत बढ़िया। एक ही आंसर आया अभी तक हितेश से, हितेश यादव सर पर जो है वो सही आंसर कर पाए मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलिए फटाफट बताइएगा, हाँ जल्दी से मुझे बताइएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग कुछ नेम की बात कर लेते हैं, साइंटिफिक नेम। जैसे यहाँ पर राइस आया है, तो राइस का जो प्लांट का नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, उसका नेम बताइएगा फटाफट, जल्दी से बताइएगा, है ना। बहुत सारे नेम है जैसे कि पोटैटो, ठीक है, फिर यहाँ पर बात कर ली जाए नीम, जल्दी से बताइए। मैंगो पूछा जा चुका है, जल्दी से नाम बताओ फटाफट सभी का। उसके बाद वीट, पी, पी समझते हो यहां पे, है ना, क्लियर है यहां तक। मटर, चलो फटाफट बताओ यहां पे। नियासिन प्लेग्रा से होता है, वेरी गुड, मुझे पता था ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन गलत करोगे। हाँ थायमिन होता है, विटामिन B2 कहलाता है, राइबोफ्लेविन, यस बहुत बढ़िया। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर रहे हैं B3 कहलाता है यहां पर नियासिन, और बायोटीन किसको बोलते हैं, B6 को बोलते हैं क्या। बस देखो क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए। यस ओराइजा सटाइवा, फटाफट यहाँ पे बात कर लो जरा। ओराइजा सटाइवा अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन आ चुके हैं, चलिए जरा एक बार देख लेते हैं। पुराने लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़े भी हुए हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, पुराने कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने इन सभी चीजों के बारे में जानकारी करी है। चलिए जरा देख लेते हैं उसको। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं, सारे के सारे नाम भी बताए हुए हैं। मैग्नीफेरा इंडिका पूछा जा चुका है आपसे, चलिए फटाफट आइएगा, जल्दी से आइए सभी लोग। पहले करवा दिया था क्या नाम, ये रहे सारे नाम आपके सामने, ठीक है, ये रहे सारे नाम, देखिए जरा फटाफट यहां पे बात कर लेते हैं। यस जितने नाम कर पाइए बहुत अच्छी बात है। पीनट की बात कर दी जाए तो अकेजिया हाइपोगिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिग आपसे पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। चलिए बरगद का बताइएगा, बरगद जो कि हमारा नेशनल ट्री है। मोर का बताइएगा फटाक से, उसके अलावा टाइगर का बताइएगा जिसको हम लोग यहाँ पर बाघ बोल देते हैं, बाघ का बताइएगा साइंटिफिक नेम। उसके अलावा कमल का बताइएगा साइंटिफिक नेम, जल्दी से बताइएगा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीम की बात कर ले, अजाटिकाटा इंडिका बोला जाता है, अजाटिकाटा इंडिका बोला जाता है। तुलसी के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा ओनियन आपका क्या है सर, एलियम कैपा है, ठीक है। आपसे मैंगो का पूछा गया था, मैग्नीफेरा इंडिका, पोटैटो का पूछा गया था, सोलानम ट्यूबरोसम अगर आपको पता होगा, ठीक है। लेमन सिट्रिस बोला जाता है, ऑरेंज बनाना गवावा, उसके बाद राइस और राइजा सटाइवा और आपका ट्रिटिकम एस्टिवम। क्लियर है यहां तक, जूम करके भी आप देख सकते हैं यहां पर,
ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पहले से बताई हुई हैं। और मैग्नीफेरा इंडिका तो अभी CHSL में पूछ भी लिया गया था आपसे, अगर आपको याद होगा जल्दी से बताइए मुझे फटाफट, ये चीज़ पूछ भी ली गई थी आपसे अगर आपको याद होगा कि भाई मैंने पढ़ाई थी आपको, ठीक है। ठीक है चलिए, पैंथरा टिग्रिस आप सभी ने आंसर कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग फटाफट जरा सेशन को शेयर करो। वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा, पाइसम सेटिवम हो जाएगा, बैनियन ट्री हो जाएगा। अरे भाई बैनियन ट्री क्या, बरगद का बैनियन ट्री इंग्लिश बोल रहे हो क्या? मैंने साइंटिफिक नेम पूछा है, मैंगो मैग्नीफेरा इंडिका वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। और फिर यहाँ पर पी के लिए क्या हो जाएगा, अच्छा ज्वार का बताना भाई यहाँ पर, ठीक है। जौ का बताइएगा, जौ को बताइएगा, बार्ले यहाँ पर अगर हम लोग बात बोले, ठीक है। चलिए तारीख का टाइम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फटाफट जरा सेशन को शेयर करो सभी लोग। ये हो गया तो हम लोग विटामिन को तो कितनी बार पढ़ चुके हैं, ये है फ्लैट सॉल्युबल और ये है वाटर सॉल्युबल, कितनी बार तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग नए आए हैं वो देख ले जरा, जितने लोग नए आए देखिए यहाँ पर क्या होता है, एवरी वेडनेसडे आपका नया बैच आता है। यहाँ पर डिटेल में अगर आपको चीज़ों को पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पर डिटेल में चीज़ों को पढ़ सकते हैं। प्रोमो कोड यूज करेंगे 14267, ठीक है। इस प्रोमो कोड के साथ जाओगे तो आप क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। और आपको क्या है, नए SCH यहाँ पर SBI के बैच आ चुके हैं, उनको भी आप ले सकते हैं और ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं विटामिन ए। अच्छा विटामिन से क्या क्या क्वेश्चन आए थे इस बार CHSL में, फटाफट मुझे बताइएगा। गाजर का जो रंग है, गाजर में जो विटामिन है, एक तो पूछा गया था गाजर का रंग किससे है और दूसरा ये पूछा गया था कि उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। उसके अलावा पूछा गया था ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है, ठीक है, ब्यूटी विटामिन पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे रक्त का थक्का जमने में कौन हेल्प करता है, रक्त ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग जमाने में कौन हेल्प कर रहा होता है, विटामिन ए रोटी यहाँ पर रेटिनॉल हो जाते हैं, थायामीन हो जाता है जो कि राइस को अगर आप ज्यादा धो देते हो तो निकल जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, चलिए वो भी बता देंगे। फैट कम कर लो भाई पहले, है ना। चलो बीटा कैरोटीन बहुत बढ़िया, विटामिन B2 यहाँ पर क्या बताया गया था, हाँ उसके अलावा यहाँ पर शायद प्याज के लिए भी पूछा गया था, ठीक है। प्याज की जो पंजेंसी होती है, पंजेंसी मतलब तीक्ष्णपन जिससे आंसू आ जाता है, वो किसके थ्रू होता है, जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से आइए फटाफट। विटामिन के, ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई को कहा जा रहा था और आपका एक और विटामिन था, जल्दी से मुझे बताना एक और कौन सा विटामिन था, वो पूछा गया था आपसे। विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, प्याज के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है जल्दी से मुझे बताइएगा। विटामिन B3 यहाँ पर नियासिन हो जाता है, उसके अलावा पेलेग्रा हो जाता है, यहाँ पर पेंटेनोइक एसिड हो जाता है, फिर यहाँ पर हो जाता है बायोटीन, आपके कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नहीं, ये फॉलिक एसिड यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। चलो क्लियर है, हाँ। एलिल प्रोपाइल डी सल्फेट सौम्या पाल, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट शेयर करो, इकलौता ऐसा, इकलौता एक सेकेंड क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, इकलौता ऐसा विटामिन जो कि साइनोकोबेलामिन कोबाल्ट के लिए यूज किया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पूछा गया था शायद आपसे, विटामिन सी में क्या पाया जाता है, अगर विटामिन सी की बात कर जाए, इकलौता ऐसा विटामिन है जो कि स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको आपको तुरंत लेना पड़ता है, तो इसीलिए आजकल इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिंक की गोली के साथ पता लगा सब कुछ ले लो, विटामिन धूप से जो प्राप्त होता है काफी हद तक, और जितने भी आपके मिल्क प्रोडक्ट होते हैं कैल्सिफेरॉल उनसे प्राप्त होता है, विटामिन ई टोकोफेरॉल हो जाता है, विटामिन की फिलोक्विनोन हो जाता है, ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। पंजेंसी के लिए, यस, तीक्ष्णपन के लिए। प्रोपेंथोनाइल ऑक्साइड, यस, बहुत बढ़िया। चलो अब ये क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट से जल्दी से। लीस्ट जनरेशन पावर इन ब्रेन और अ न्यूरॉन ड्यू टू किस चीज के एब्सेंस होने की वजह से होती है, किस चीज के एब्सेंट होने की वजह से होती है। विटामिन B1 साइंटिफिक नेम भी, यस। चलो फटाफट सेशन को शेयर करो, क्या बात है भाई आज, हाँ शेयर करो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाक से जल्दी से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है अभी अपने पास में भाई, टेंशन ना लो, चलो आओ फटाफट। विटामिन सी को स्टोर नहीं कर सकते सर इसका, हाँ भाई पूछा गया है CHSL में, इसीलिए तो कम से कम नहीं कुछ तो
मैंने 10 बार तो पढ़ा दिया होगा भाई, 10 बार मैंने पढ़ाया विटामिन को, 10 बार, और वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आया है सीएचएसएल के अंदर। उठा के पेपर तो देखो भाई मेरे एक बार। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं भाई। कौन सी लैंग्वेज समझ में नहीं आई भाई? देखो यहां पर अगर हम बात करें, लीस्ट जनरेशन पावर हो जाती है इसके एब्सेंस की वजह से, क्योंकि न्यूरॉन्स जो है ना वो ज्यादा वृद्धि नहीं कर सकते, अपनी संख्या को बढ़ा नहीं सकते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि न्यूरॉन्स में आपका सेंट्रोमेयर प्रेजेंट नहीं होता है, इसको सेंट्रियोल भी बोल देते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स भी बोल देते हैं। सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान सुनो, यहाँ पर पहला आंसर हो जाएगा, जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर रहे हैं 4 नंबर, वो आंसर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान सुनना। देखो जब भी हम सेल की बात कर रहे होते हैं तो सेल में देखो दो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर कॉमन होती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, और कुछ चीज़ें यहाँ पर सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका सेंट्रियोल, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? सेंट्रियोल मिलेगा। दूसरा एनिमल सेल में जो वैक्यूल होती है, मतलब जो यहाँ पर खाली स्थान होता है वो छोटा होता है, वहीं पर कॉमन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्लोरोप्लास्ट ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट अलग हो जाता है। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात कर लो तो सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल मिलेगी आपको यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप बात कर लेते हैं, सर क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या क्वेश्चन है भाई ये? देखो मैंने कहा कि लीस्ट क्या है, लीस्ट रीजनरेशन पावर ऑफ ब्रेन और न्यूरॉन कम क्यों होती है? अगर आपको यहाँ पर बता दिया जाए कि न्यूरॉन्स जो होते हैं, अगर वो यहाँ पर क्या हो गए कि बिखर गए या टूट गए या न्यूरॉन्स में कोई क्षति हो गई, तो उसको आप पुनः फिर से हिंदी वाला अनुपस्थिति के कारण कम से कम पुनः, अच्छा हाँ यहाँ पे हिंदी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ठीक है, हाँ हिंदी में लग रहा है यहाँ पे दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा कि किसकी वजह से, सुनो ध्यान से, किसकी वजह से यहाँ पर कम मल्टीप्लीकेशन की पावर हो जाती है? चलो क्लियर है यहां पर बताओ। हाँ उसके साथ साथ में यहां पर जो वैक्यूल होती है, जो रिक्तियां पाई जाती हैं यहां पर सेल के अंदर की, वो ज्यादा बड़ी पाई जाती हैं, क्लियर है यहां तक? और सभी चीज तो कॉमन होती है, और सभी चीज तो यहां पर कॉमन होती है। क्लोरोफिल की यहां पर बात कर लेते हैं, जो हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसको यहां पर बोलते हैं, यहां पर क्या लवक बोलते हैं, हिंदी में बोला जाए तो यहां पर प्लास्टिड बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। और प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, एक तो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, एक तो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है जिसको हम लोग हरित लवक बोल देते हैं, हरित लवक बोल देते हैं यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट होता है, जल्दी से मेरा आंसर करिएगा, फटाफट क्वेश्चन को शेयर करिएगा। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्या होता है सर? ल्यूकोप्लास्ट, बात समझना, श्वेत लवक बोल देते हैं इसको, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें आप लोग को देखने को मिलेगा, ग्रीन जितनी भी चीजें होती हैं। क्रोमोप्लास्ट आपको काफी हद तक पंखुड़ियों में, जैसे कि आपका पेटल्स हो जाती हैं, पेटल्स हो गई उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है, क्योंकि कलर लेता है ये, कलर्ड होता है, ठीक है, कलर्ड होता है, क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताइए यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट जो भी पाया जाता है वो श्वेत होता है, श्वेत होता है। जैसे कि आप स्टार्च की बात कर लीजिए, होता क्या है, जब देखा होगा आपने आलू को, व्हाइट होता है, लेकिन थोड़े समय बाद में होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आलू व्हाइट है, उसमें आईज होती है, आलू में आईज होती है ना, ये छोटी छोटी आईज होती है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर हरा हरा पैचेस आने लगता है, जैसे जैसे वो किसके संपर्क में आता है, सनलाइट के संपर्क में आता है, हरा हरा पैचेस आ जाता है, क्यों? क्योंकि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो बदल जाता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताइएगा। हाँ क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो एमजी होता है, यस ये तो हम लोग को पता ही है भाई, फटाफट जरा सेशन को शेयर करो, ठीक है। सेल प्लेट देखो, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सेंट्रियोल, सेंट्रियोल की बात कर ली जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? सेल डिवीजन करवाना। किसका काम होता है सर? सेल डिवीजन करवाना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है। दूसरा जो सेल प्लेट होती है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या करवा रही होती है? ये प्लांट सेल के अंदर, किसके अंदर सर? प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर सेल डिवीजन करवाती है। सेल डिवीजन कितने तरह का होता है जल्दी से मुझे बताइएगा। सेल डिवीजन 2 ही तरीके का होता, तो बहुत सारे तरीके से है, ठीक है। वैसे सेल डिवीजन 2 तरीके का होता है, एक तो हो जाता है सर मियोसिस, मियोसिस, और एक हो जाता है सर माइटोसिस। कोई मुझे इन दोनों के बारे में बताइएगा क्या होता है ये, जल्दी से बताइएगा। मियोसिस और माइटोसिस, क्लियर है? हाँ न्यूरॉन्स जो होती है वो सबसे लंबी सेल्स होती है हमारे, यस। अगर हम लोग यहाँ पर देखो, एक दो क्वेश्चन और आगे चलो यहाँ पे, ठीक है। राइबोसोम की यहाँ पर बात कर ली जाए तो उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनवाना। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए जरा देख लेते हैं कुछ बातें, ये बताइएगा जरा, ये क्वेश्चन बताइएगा।
अब देखो मैंने वहां तक सारी बातें लगभग लगभग बताई दी थी आपको। इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने पर कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। वहीं श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है, वो कौन कर रहा होता है, वो कर रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन की संश्लेषण कौन कर रहा होता है, राइबोसोम। और वहीं अगर हम लोग बात कर लें मिनरल्स अपटेक कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग प्लाज्मा लेमा भी बोल देते हैं। या सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसकी खोज जो करी थी, इसके इसके लिए बताया क्या गया था, ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन से। किससे बनी होती है सर, लिपोप्रोटीन से बनी हुई होती है, लाइपोप्रोटीन से बनी हुई होती है। यहाँ पर इस प्रकार से आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और सॉरी, ये फैट के मॉलिक्यूल हो गए। उसके अलावा इस तरीके से ये छोटे छोटे अर्धपारगम में होती है, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अर्धपारगम में, ठीक है। बाइलिपिड होती है, क्योंकि इसमें जो होता है दो लिपिड होती है, बाइलिपिड, दो लिपिड की यहाँ पर क्या होती है, इस तरीके से लिपिड आपको देखने को मिलता है, दो लेयर में लिपिड होता है। और ये जो मॉडल दिया था, इसको मॉडल को बोला गया था फ्लूविड मोजाइक मॉडल। कौन सा मॉडल बोला गया था इसको, फ्लूविड मोजाइक मॉडल। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से बताइए यहाँ पर। हाँ, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से इसके लिए आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक, जल्दी से बताओ यहां पे भाई, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है या नहीं क्लियर हो रहा है, जल्दी से बता दो फटाफट, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, इस ये होती है अर्ध पारगम में झिल्ली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सर, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। आपने देखा होगा कि आप क्या करिए, इस तरह से वाटर लीजिए और वाटर में क्या कर दीजिए, कोई भी रेजिन, रेजिन समझते हो ना, वो किशमिश जो होती थी उसको यहाँ पर रख दीजिए। थोड़े समय बाद इसमें क्या होता है, यहाँ पर पानी इंटर कर जाता है। क्यों इंटर कर जाता है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से, अधिक सांद्रता से, अगर यहाँ पर बात बोल रहे हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, लो कंसंट्रेशन की ओर कम सांद्रता की ओर यहाँ पर पानी चला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, डिसोसिएशन बोल देते हैं या ऑस्मोसिस बोलते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे हैं दिमाग में, जैसे जैसे आता रहेगा बताता रहूंगा, लेकिन आप लोग क्या है अपना धर्म नहीं निभा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, मियोसिस और माइटोसिस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है सर, आनंद भाई ये बताइए, संडे को थे आप, संडे को, इस संडे को थे कि नहीं थे, जल्दी से बताओ। हाँ, ज्योग्राफी का मैराथन लेके आया था भाई मैं, ठीक है। चलो अपना धर्म निभाइए भाई सभी लोग, जल्दी से फटाफट जरा स्क्रीन को शेयर करो। अब ये बता दो, ये क्वेश्चन भी हो चुका है शायद मेरे हिसाब से, है ना। ये क्वेश्चन भी हो चुका है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, और एनर्जी करेंसी किसको कहा जाता है, एनर्जी करेंसी किसको कहा जाता है, जल्दी से बताइए यहाँ पे। ऑस्मोसिस, यस। प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलियोफेज, यस, चार फेज होते हैं। चलो शेयर करो भाई, और आप इस कोड का अगर यूज करोगे E14267, तो इससे क्या प्राप्त होगा, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त होगा आपको। ये तो हाँ, अच्छा सी सी ऑप्शन दो है, इसको बी कर लो, इसको बी कर लो, इसको बी कर लो, इसको बी कर लो, ठीक है। ऑप्शन, हाँ देखो, अच्छा ऑप्शन में थोड़ी दिक्कत थी यहाँ पे, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा, इसमें तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन दो पूछें, सेल की खोज किसने करी, हु डिस्कवर द सेल, ठीक है। लिविंग सेल, सॉरी, डेड सेल की खोज किसने करी थी, लिविंग सेल की खोज किसने करी थी, जल्दी से मुझे बताइएगा। और उसके अलावा न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर रहे हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी है, कोलिकर ने करी है, किसने करी है सर, कोलिकर ने करी है। क्लियर है यहां तक, ये सारी बातें तो हम लोग को पता ही है। डेड सेल की खोज किसने करी है, फटाफट बताइएगा जल्दी से। सेंट्रियोल के साथ एलील स्प्लेंडर फाइबर होते हैं, ओके 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 ओके, हाँ एस्टर्स बोलते हैं उनको, एस्टर्स बोलते हैं, यस। यहाँ पर कौन थे, हुक भाई साहब थे। मैंने रॉबर्ट को किस तरीके से बताया है, मैंने कहा है तीन रॉबर्ट याद रख लेना, कौन कौन से, रॉबर्ट हुक, ठीक है। और रॉबर्ट यहाँ पर कौन हो जाएंगे आपका, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। एक हो जाते हैं रॉबर्ट कोच, ठीक है, एक बात है रॉबर्ट कोच, और एक हो जाते हैं यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन, क्लियर।
आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके अलावा एक और मैंने बताया था रॉबर्ट क्लाइव, कोई मुझे इसको बता दे, जरा हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। एंटोनी वैन लिवन हॉक, ये भाई साहब थे। चलो इनके अलावा ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर एंटोनी वैन लिवन हॉक ने, जिनको कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी का फादर, किसको कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी का फादर कहा जाता है, जीवाणु शास्त्र का यहाँ पर जन्मदाता कहा जाता है, वहीं रॉबर्ट हुक को कहा जाता है सेल विज्ञान का, मतलब कोशिका शास्त्र का जनक कहा जाता है। चलो क्लियर हुआ यहां तक? हुक, ब्राउन, कोच, क्लाइव, हाँ रॉबर्ट क्लाइव भी था। हाँ, एनर्जी करेंसी एडनोसिन ट्राइफॉस्फेस एटीपी हो जाता है, एटीपी हो जाता है, जल्दी से मुझे बताएंगे यहाँ पे। रॉबर्ट ब्राउन हो गया यहाँ पे। चलो उसके अलावा चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। स्क्लिंडर एंड स्वान ने थ्योरी दी थी जिसमें एक बात कही गई थी, थर्ड पॉइंट था उसका, सेलुली ए सेलुला, मतलब कोई भी सेल अपनी मदर सेल से आती है, ठीक है। उसके अलावा ये आपके सामने पूरी पूरी सेल मेम्ब्रेन, सारा का सारा पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये किस तरह की सेल है, ये आपका यूकैरियोटिक सेल है, ये सुनो, यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। और ये कैसी सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। फटाफट जरा स्क्रीन को शेयर करो भाई, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के और एग्जांपल मुझे बताइएगा, ठीक है, और एग्जांपल बताइए। यहां पर 70S राइबोसोम मिलता है और यहां पर 80S राइबोसोम मिलता है, 80S राइबोसोम मिलता है। क्लियर है यहां तक बातें? उसके अलावा अगर हम यहां पर बात कर लें, और एग्जांपल है क्या, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे छोटी सेल कौन सी है, जल्दी से मुझे बताइएगा। एंटोनी वैन लेवेनॉक, वॉर ऑफ प्लासी 1757, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, यस, बहुत बढ़िया। चलो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूरी डिटेल हम लोग यहां पर देख चुके हैं, ठीक है। चलिए, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच का डिफरेंस भी यहां पर मैप के रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो डिफरेंस मैंने बताना था वो मैंने वहां पर आपको बताया। चलो, इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल टू द ट्रांसमिशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, डिजीज को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इनर सेल आर प्रेजेंट एब्सेंट, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी से अगर हम यहां पर बोलें, एक 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 एनवायरमेंटल एनवायरमेंट की क्रिया होती है, इसको बोलते हैं वाटर ब्लूम, क्या होता है बताना मुझे, वाटर ब्लूमिंग, एक प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं वाटर ब्लूमिंग, बीजीए से होता है ये, ब्लू ग्रीन एल्गी से होता है। नीली हरी शैवाल, दुनिया की सबसे छोटी सेल कौन सी है सर, माइकोप्लाज्मा। यहां पे देखो, अगर इंसेक्ट है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी डिजीजेस इंसेक्ट्स के ही काटने से होती है, ऑस्ट्रिच एग दुनिया का सबसे बड़ा सेल है, या सबसे लंबी सेल, तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, खैर। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा, ठीक है, सबसे छोटी सेल मेल में कौन सी है और फीमेल में कौन सी है, चलो ठीक है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, गलत ही हो रहा है सब। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, वेक्टर आंसर हो जाएगा, परफेक्ट है, ठीक है। रोहित बोल रहे भाई गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है भाई, रोहित गलत कहां से हो जा रहा है, ठीक है। चलो हाँ, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रांसमीटर बोलेंगे, ड्रोन बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे, इसका आंसर है वेक्टर्स, ठीक है। देखो होता क्या है कि कोई भी यहाँ पर पैथोजेंस होते हैं, अब पैथोजेंस क्या होते हैं वो हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं सर, वायरस होता है, इसको रोगाणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, रोगाणु बोलते हैं, ठीक है। वायरस हो गया जिसको विषाणु बोल देते हैं, आपका बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया यहाँ पर, फंगस हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, वर्म्स हो जाते हैं, वर्म्स, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो गया लास्ट में कौन बचेगा, प्रोटोजोवा, ठीक है, प्रोटोजोवा, यस, फीमेल में ओवम हो जाएगा, मेल में स्पर्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है, मेल फीमेल का भी क्वेश्चन आ चुका था, स्मॉलेस्ट तो मैंने पूछ लिया आपसे। चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पर बात कर लेते, पैथोजन की यहाँ पर बात कर रहे थे, तो ये रोगाणु होता है, ये रोगाणु क्या करते हैं, किसी ना किसी वेक्टर के थ्रू यहाँ पर क्या होते हैं, फैल रहे होते हैं, और ये वेक्टर ज्यादातर क्या होते हैं, आपके इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक जगह से कट करते हैं दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस हम लोग जानते थे डिजीज के बारे में, याद आया कुछ, स्लीपिंग सिकनेस, जैसे मलेरिया हो गया, किससे फैलता है, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, अजार अजार हो गया, ठीक है,
डेंगू हो गया, डेंगी हो गया जिसको बोल देते हैं, बाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई हो गया, ठीक है, एक हो जाता है हाथी पांव, एलिफेंटियासिस, ठीक है, हाथी पांव जिसको बोल देते हैं यहाँ पे, क्लियर है, जल्दी फटाफट सचिन को शेयर करिएगा, हाथी पांव बोल देते हैं, ठीक है, बाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई किससे उससे होता है, जल्दी से बताइए। हाँ चलिए सही आंसर कर रहे हो भाई, चलो आगे आगे बात कर लेते हैं। हाँ तंत्रिका की कोशिका होती है, वो हम लोग बात कर चुके हैं पहले भाई। हाँ सीसी फ्लाई होती है, ठीक है, सीसी फ्लाई होती है भाई। चलो यहाँ पर आंसर सभी लोग कर रहे होंगे भाई, प्लाज्मोडियम, फीमेल एनाफिलस, बहुत सारे। चलो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाया हूँ, सारे के सारे दोस्त जो आपके, हमारे सबके दोस्त जो जिनको क्या कहा जाए, मॉस्किटोज कहा जाए, उनके बारे में जरा जानकारी कर लेते हैं। आओ जरा देखते हैं इनको भी, इनसे मुलाकात कर ली जाए थोड़ी सी। यहाँ पर क्यूलेक्स, क्यूलेक्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऐसा दिखता है, दिख रहा होगा सभी को, ठीक है, फाउंड बहुत ज़्यादा रूरल थ्रू नॉर्थ अमेरिका वाले एरिया में, ये अमेरिकन एक तरीके से बात कर लिया जाए, इंडिया में भी पाया जाता है, ठीक है। एंसेफेलाइटिस एक रोग करता है गोरखपुर में लास्ट, और ये जो गोरखपुर बिहार की बेल्ट है यहाँ पर एंसेफेलाइटिस बहुत होता है, दिमागी बुखार, जैपनीज एंसेफेलाइटिस के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, आपको पता होगा। तो सीसी फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस होता है, यस ठीक है, सीसी की स्पेलिंग ही गलत है यहाँ पे, पी से कहाँ से आ जाएगा भाई। हाँ उसके अलावा यहाँ पर एडीज इजिप्टाई, एडीज इजिप्टाई से देखो क्या क्या फैलता है, इस चीज को नोट डाउन कर रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, चिकनगुनिया, जीका वायरस, येलो फीवर, डेंगी, डेंगी वायरल डिजीज है, बताओ पहले, डेंगी वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, प्रोटोजोमन डिजीज है, कौन सी डिजीज है डेंगी, जल्दी से मुझे बताओ फटाफट, ठीक है। तो ये आपका पूरा ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल वाले एरिया में मिलता है, ठीक है, और बाइट ड्यूरिंग डे, दिन के समय पर करता है डेंगी का, जो यहाँ पर है एडिस इजिप्टाई, क्या बोलते हैं इसको, एडिस इजिप्टाई। उसके अलावा एजिट, ठीक है, यहाँ पर वैक्सेंस की बात कर ली जाए तो ये रेयरली यूरोप और यूके यूएस के एरिया में पाया जाता है, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग डिजीजेस करने के लिए कैपेबल है। उसके बाद एनोफिलस, एनोफिलस एवरीवियर, एंटार्क्टिका को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सब जगह पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर देखो, मेल कट नहीं करता, मेल नहीं डंक मारता या मेल ब्लड सक नहीं करता है, क्योंकि वो पॉलिनेशन कर रहा होता है, वो परागण को सक कर रहा होता है, क्लियर हो गया बात। फीमेल करती है अंडों को सेने के लिए, जो भी उनके पास उनके छोटे एग होते हैं उनको सेने के लिए, क्लियर हो रहा है यहाँ तक, जो उनके लार्वीज होते हैं, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए तो एंसेफेलाइटिस के लिए, मलेरिया के लिए फीमेल एनोफिलस, ठीक है। फिर यहाँ पर एल्बोल पिट्टस, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो मिल जाएगा, जीका, डेंगी, चिकनगुनिया, येलो फीवर, एंसेफेलाइटिस, इसके लिए। उसके बाद नाइल और समटाइम इजिप्टाई, ये सब बात कर लेते हैं, क्यूलेक्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने देख डाले, क्लियर है, ठीक है, इंपॉर्टेंटली क्लियर हुआ। अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हो गया वो क्वेश्चन है, फीमेल एनोफिलस पूछना था, चलो क्लियर हो गया। आर यू एंजॉइंग द क्लास और नॉट, जल्दी से बताओ फटाफट, जरा सेशन को शेयर करो, आप लोग जरा संख्या बल में कम आते हो, दोस्तों दोस्तों को बताते नहीं होता है सारा, आज आप ही सीख लोगे। हाँ स्टेप ऑफ द पार्ट, यस ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन हम लोग पहले बात कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से आप सभी लोग आंसर कर दोगे, मुझे नहीं लगता इसमें से कोई आंसर ऐसा लग रहा है कि ना कर पाए। सीसी फ्लाई की स्पेलिंग जो थी वो ये थी, आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि वायरस से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, और बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, वर्म से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, है ना। एक वर्म से डिजीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फीता कृमि, नाम सुना है आप लोगों ने, हाँ फीता कृमि, ठीक है, नाम सुना है, इसका नाम मुझे बता दीजिएगा, साइंटिफिक नेम बताइएगा, साइंटिफिक नेम पूछा जा चुका है फीता कृमि का, टेप वर्म इंग्लिश में बोलते हैं, टेप वर्म, साइंटिफिक नेम बताओ जरा फटाफट, फोर्थ आंसर रहेगा तो भाई पता है, ये तो मैं कई बार पूछ चुका हूँ आपसे, ठीक है। हाँ टेस्ट के बारे में पूछ चुका हूँ, ठीक है, विडाल टेस्ट के बारे में पूछ चुका हूँ, एलिजा टेस्ट के बारे में पूछ चुका हूँ कई बार। चलो अब ये बताओ यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैं रिपीट भी करता हूँ, उसका रीजन क्या है ना, बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए, कैसा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई उनको आता है, वरना सारे क्वेश्चन अगर मैंने यहाँ पर ना नए और थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया ना, फिर हो जाएगा दिक्कत, ठीक है। चलो क्लियर है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन लो भी रखे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हाई भी रखे जाते हैं। टे भाई मैंने अंग्रेजी बोल दी है, टेप वॉर्म मैंने अंग्रेजी बोल दी है, ठीक है, मैंने अंग्रेजी बोल दी है, कैस्टोडा नहीं,
टीनिया सोलियम कहा जाता है भाई, टीनिया सोलियम 10th क्लास में था, 10th क्लास में पढ़ा नहीं था क्या आप लोगों ने? पढ़ा होगा सर, याद नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिवाइज करिए बस। चलिए यहाँ पर बताइएगा, वेरी गुड मेघा जी, चलिए सही आंसर कर रहे हैं भाई, यहाँ पर आंसर आ चुका है जाइमेज, पहले से ही आंसर आ चुका है, ठीक है। डाइएज, माल्टेज, इन्वर्टेज, इन्वर्टेज कहाँ पर किया जाता है, इन्वर्टेज का यूज क्या होता है, जल्दी से बताना, बहुत पहले पढ़ा था, बताइए फटाफट। माल्टेज इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, जाइमेज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर एक अंतर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन आता है आपसे, एंजाइम एंड हॉर्मोन्स, ठीक है, मतलब यहां पर जैविक उत्प्रेरक, जैविक उत्प्रेरकों के बारे में और हॉर्मोन्स के बारे में आपको यहां पर बताना है, डिफरेंसेस बताने हैं, क्या बताना है सर, डिफरेंसेस बताना है। टीनिया सोलियम, यस, चलिए वेरी गुड। अगली यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर अगर हम एंजाइम की बात करते हैं, यहां पर जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो किया जाता है, कन्वर्ट एक मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज को दो मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, मैं कई बार बता चुका हूं। अच्छा यहां पर मुझे बताओ, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल का जो कोशिकीय श्वसन होता है, जल्दी से फटाफट सेशन को शेयर करो, कोशिकीय श्वसन होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सर ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत होता है, एक होता है अनऑक्सीकृत, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहां पे, जल्दी बताइएगा। तो ऑक्सीकृत में एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं, जल्दी से मुझे बताना, और अनऑक्सीकृत में एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं, ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं, मुझे जितना ध्यान आ रहा है ये क्वेश्चन भी मैं पढ़वा चुका हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो C6H12O6 में जाइमेज जुड़ जाता है, उसके बाद में यहाँ पर अल्कोहल बना देता है, अल्कोहल इंडस्ट्री में बनाने में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलो उसके अलावा अब मैं क्या एक काम कर रहा हूं आपसे, सारे के सारे एंजाइम बता दे रहा हूं आपको, देखो यहाँ पे ध्यान से, सलाइवा में जो हमारा माउथ होता है, जो माउथ होता है हमारा, वहां पर कौन सा एंजाइम निकलता है, सलाइवा में हमारा एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन, एक तरह का एमाइलेज। देखो तीन चीज जान लो, अगर कहीं एमाइलेज लिखा हुआ है इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने वाला है, अगर पेप्टाइडेज लिखा हुआ है इसका मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला है, और अगर लाइपेज लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो फैट को डाइजेस्ट करेगा। क्लियर है यहां तक, जल्दी से बताओ यहां पर, ठीक है। अगली बात हम लोग यहां पर कर ले रहे हैं, जरा ध्यान सुनना, ठीक है। मैं पहले से ही बहुत सारी चीजें लिख के ले आता हूं आपके लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, और समय में ना हमारा जाए और पूरा हमारी तैयारी भी हो जाए। हाँ ठीक है, जल्दी से मुझे बताएगा, तीन एटीपी कहां से आंसर आ जाएगा प्रतीक्षा जी, 36 होना चाहिए था वैसे तो। हाँ चलो फटाफट सेशन को शेयर करो, फटाफट सेशन को शेयर करो। देखिए टाइलिन एंजाइम जो होता है उसका यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की यहां पर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करने के लिए किया जाता है, पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में और स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है वो, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। और गैस्ट्रिक में यहाँ पर पेप्सिन होता है, जो कि पेप्सिन हमेशा पेप्टाइडेज एंजाइम होता है, कहने का मतलब क्या होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आएगा और प्रोटीन को पेप्टोन्स में और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद में क्या होता है यहाँ पर स्टार्च, जो कि लिवर से सिक्रेट होता है, ठीक है, स्टार्च स्टमक इंटेस्टाइन से, और लिवर से यहाँ पर बात करी जाए, वैसे लिवर से तो बाइल जूस सिक्रेट होता है, जो कि स्टोर कहाँ पर होता है, गाल ब्लैडर में होता है, यकृत, यकृत में बनता है बाइल जूस, ठीक है, पित्त रस बोलते हैं जिसको, पित्त रस बोल देते हैं हिंदी में अगर बोला जाए, पित्त रस बोला जाए, क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था, अरे एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, हाँ एनारोबिक में, सॉरी एरोबिक में हो जाता है 36 और एनारोबिक में हो जाता है आपका 280। यस भाई साहब जूम कर देंगे, पहले समझा तो लें, लिख तो लें या ना लिखें, बताओ भाई, बता दो पहले भाई, कर ले हम लोग, है ना। फैट इमल्सिफायर की तरह जो था, फैट को तोड़ने काम करता है, वही हमारे इंटेस्टाइन और पैनक्रियास की बात कर ली जाए, इंसुलिन रिलीज होता है हार्मोन की तरह, अगर आप यहां पर बात कर लें। उसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज सबसे ज्यादा एंजाइम और सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम आपके पैनक्रिया से निकलते हैं, अब अग्न्याशय से,
भाई यहाँ पर तो मैं आज से नहीं नवंबर से क्लासेस ले रहा हूँ, आप सभी को अगर पता होगा, आप सभी को यहाँ पर पता होगा, जरा सिस्टम को शेयर करो सभी लोग। नवंबर से क्लासेस ले रहा हूँ, आज से क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, और अभी तक यहाँ पर बताइए कितने सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। जो लोग डेली क्लासेस कर रहे हैं फ्रॉम द डे वन, वो मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि उनको CHSL एग्जामिनेशन में या फिर जो ST देते हैं उनमें हेल्प मिली है या नहीं मिली है, मुझे बताइए। जो स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं करंट भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, करंट भी। और अधिक जानकारी के लिए कहाँ पर जुड़ते हैं हम लोग, GSGA विद संजय सर के टेलीग्राम चैनल पर। ये कौन है भाई, चलो मुलाकात तो हो जाएगी इनसे भी, ठीक है संजय सर, क्लियर हो गया यहाँ तक बात। ये भाई सामने बैठे हुए हैं, ठीक है चलिए, तो इसको हम लोग जूम करके थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर भाई साहब बोल लेते हैं, जूम कर लिया जाए उसको। चलिए ये देखिए, सलाइवा टाइलिन हो गया, और उसके बाद में ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो ये गैस्ट्रिक जूस हो गया, यहाँ पर पेप्टाइडेज हो गया, और फिर यहाँ पर इंसुलिन हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो सभी को, जल्दी से बताइएगा क्लियर। सो आई होप यू ऑल एंजॉय द क्लास, है ना। जस्ट लग के तुरंत आपकी मैथ्स की क्लास होने वाली है, तो भाई भूलना नहीं। आइए एक बार रिवीजन कर देते हैं, एक बार रिवीजन कर देते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, अल्कोहल के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने जाना कि कौन सा ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ जाता है। फटाफट जरा रिवीजन भी कर देते हैं, अब हम लोग रिवीजन करेंगे, दो मिनट में लास्ट में रिवीजन भी करेंगे। जाइमेज पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, जाइमेज से पहले हम लोगों ने यहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस डिजीज के बारे में बात करी थी, सीसी फ्लाई के पहले हम लोगों ने मॉस्किटोज के बारे में बात करी थी, वेक्टर के बारे में बात करी थी, फिर यहाँ पर डिफरेंट सेल्स के बारे में बात करी हम लोगों ने। फटाफट जरा सेशन को शेयर करो, 70S और 80S राइबोसोम में अंतर क्या होता है, फटाफट बताओ, फटाफट जल्दी से बताइए। नहीं वो मत बताइए, आप लोग ये बताइए कि यहाँ तक अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं फ्रॉम द डे वन, जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं वो बताइए जरा, वो अपना अनुभव शेयर करें यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में, लिखें अपना अनुभव, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखे अपना अनुभव कि भाई कैसा रहा आपका सेशन, आपने कितना सीखा है यहाँ से, नहीं सीखा तो मुझे कितना सिखाया है चलिए मैं भी सबसे बहुत सीखता रहता हूँ, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले, माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, कोलिकर के बारे में जाना था, फिर अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी उनके बारे में जाना था, और हम लोगों ने विटामिन के बारे में जाना। तो चलिए